आपके लिए एक नया शब्द हम लेकर आए हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति। उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी एक भड़काऊ बयान दिया था और विवादित बयान देने के बाद सुधीर चौधरी कैसे मुसलमानों की तरफ होकर बात कर रहे हैं, जो हमेशा मुसलमानों के विपक्ष में बात करता है, हमेशा मुसलमानों को जो बदनाम करता है, आज वो कैसे मुसलमानों का तारीफ कर रहा है। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं और कुछ जानकारी आगे दिखाते हैं। आपके लिए एक नया शब्द हम लेकर आए और आज का नया शब्द है इस्लाम और तिरंगा। और आज इस्लाम और तिरंगे की हर जगह बात हो रही है हमारे देश में। ये नया एक कॉम्बिनेशन आया है, इस्लाम तिरंगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। यानी वो कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और फिर देश के मुसलमान बता देंगे कि उनके अंदर कितनी ताकत है। ये खुलेआम उन्होंने चेतावनी दी। इसी तरह मौलाना तौकीर रजा ने अभी हाल ही में यह बयान दिया कि अगर भारत के 1% मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई की हैं, जहां लगभग 12,000 मुसलमानों ने छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक पैदल यात्रा निकाली, जिसका नाम था तिरंगा संविधान रैली। ये एक रैली की तस्वीर है। ये रैली मुंबई तक गई और संविधान रैली के नाम से, तिरंगा संविधान रैली इसे नाम दिया था। ये रैली इतनी विशाल थी कि इसके कारण मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाले एक एक्सप्रेसवे पर ऐसा भीषण जाम लग गया जैसा कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया। ये रैली बीजेपी विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के उन आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ निकाली गई, जिनमें उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और इस्लाम धर्म का अपमान करने के आरोप लगे थे। इसके विरोध में यह रैली निकली। इनमें बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया जाए तो हिंदू अपनी असली ताकत दिखा दे। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी एक भड़काऊ बयान दिया था और विवादित बयान देने के मामले में संत रामगिरी महाराज का बचाव भी उन्होंने किया था। और इन्हीं बयानों के विरोध में महाराष्ट्र में लगभग 12,000 मुसलमानों ने 300 किलोमीटर लंबी एक संविधान यात्रा निकाली, जिसमें सभी मुसलमानों के हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था। और इन तस्वीरों में आज 3 बिल्कुल नई बातें छिपी हुई हैं जो आज आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जन सैलाब है, संख्या आप देखिए, एकता देखिए, जज्बा देखिए। इस रैली में 3 नई बातें देखने को मिली। पहली बात यह कि भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं। और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा, लेकिन पहले जब मुसलमान इस तरह की यात्राएं निकालते थे, विरोध प्रदर्शन किया करते थे, रैली किया करते थे, तब इनमें उनके हाथों में हरे रंग के धार्मिक झंडे होते थे। आप याद कर लीजिए, हरे रंग के धार्मिक झंडे उनके हाथ में हुआ करते थे। मुसलमान हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन आप लोग जो गोदी मीडिया रहते हैं ना, ऐसे ही हमको बदनाम करते हैं, ऐसे ही मुसलमानों को बदनाम करते रहते हैं। ध्वज तिरंगा हाथ में लेकर ये यात्रा निकाली और ठीक उसी तरह से अपनी एकता दिखाई है
जैसे हमारे देश में हिंदूवादी संगठन राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी रैलियों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो मुसलमानों के हाथ में इस बार हरे रंग का झंडा नहीं है बल्कि तिरंगा है और मुसलमान राष्ट्रवाद और तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरा है। दूसरा, तिरंगा और भारत के संविधान के साथ यात्रा करके मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि वो इसी देश भारत से थे, भारत से हैं और भारत में ही रहेंगे। जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि आज का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये ऐसे लोगों को हमारे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा जवाब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ही रहेंगे। तीसरी बात, इन तस्वीरों में आप मुसलमानों की इस जबरदस्त एकता को भी देख सकते हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 1% मुसलमान भी अगर सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1% की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इस मामले में तो 1% नहीं बल्कि सिर्फ 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से ही रास्ते ठप हो गए। मुंबई के मुलुंद टोल नाके पर इन लोगों को रोकने के लिए 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान अपने अपने तिरंगों के साथ वापस छत्रपति संभाजी नगर लौट गए। और बड़ी बात यह है कि इस रैली का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी की ही पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी के एक और नेता वारिस पठान ने किया था। जरा तस्वीरें आप देख लीजिए तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर मुसलमान 1% मुसलमान सड़कों पर अगर उतर आए तब क्या होगा। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है, यानी लगभग 21 करोड़, और दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी अकेले। ऐसा क्या हो गया जो मुसलमानों का तारीफ करने लगा सुधीर चौधरी, जो हमेशा मुसलमानों का विपक्ष में बोलता है और उन्हें बदनाम करने में लगा रहता है, लेकिन आज मुसलमानों के पक्ष में बोलता नजर आ रहा है। और सोचिए जब 12,000 मुसलमानों के महाराष्ट्र के सड़कों पर उतरने से इतना बड़ा जन सैलाब आ गया, तो अगर 21 करोड़ में से 1% यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पर अगर उतर आए तो देश में क्या स्थिति होगी। हाल ही में ईरान ने भारत के मुसलमानों की तुलना गाजा के मुसलमानों से की और कहा था कि भारत के मुसलमानों का दर्द भी वैसा ही है जैसे गाजा के मुसलमानों का। लेकिन आपको ऐसा लगा? अभी भी देखो मुसलमान हिंदू कर रहा है, जहाँ पे सेकुलर है वहाँ पे हम ध्वज लेकर निकलेंगे ना, जहाँ पर अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना। अभी भी मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहा है, बस हिंदू मुसलमान में सुधीर चौधरी का जिंदगी गुजर गई और आगे भी क्या होगा पता नहीं। रैली निकालने की कल्पना की जा सकती है। हाल ही में बांग्लादेश में 50,000 हिंदुओं ने ढाका में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहाँ अजान और नमाज के दौरान हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र में हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब 3 बड़े सवाल इनसे और पूछने चाहिए, जिनमें पहला बड़ा सवाल यह है कि तिरंगे के साथ यात्रा निकालने के बाद क्या अब ये लोग। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि महाराज रामगिरी को पूजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।